हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आविद अलेतारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सुपरवाइजर का काम क्या होता है। दोस्तों, ठीक है, तो सुपरवाइजर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंपनी बेस्ड सुपरवाइजर, दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर। कंपनी बेस्ड सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर में थोड़ा सा अंतर आता है। अंतर ये चीज़ होता है कि कंपनी बेस्ड सुपरवाइजर का जो काम होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है। तो सुपरवाइजर का वर्क क्या होता है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सुपरवाइजर का वर्क ये होता है दोस्तों कि जो भी लेबर उनके अंदर होते हैं उनके साइट पे विजिट करना। मतलब लेबर, अगर मेरे लेबर किसी डिपार्टमेंट में, मान लीजिए कि मेरे लेबर 350 डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो वो सुपरवाइजर का काम होता है कि वहाँ जाके ये चीज़ को देखना कि हाँ वो बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो वो काम क्यों नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। प्लस जितने भी लिस्ट आते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास 30 या 25 लेबर आज के डेट पे है, तो मैं ये चीज़ को इंजीनियर से साइन कराऊंगा कि हाँ सर मेरे 25 लेबर मेरे आज थे इस डिपार्टमेंट में। वो इंजीनियर देख के साइन करता है, वो मैच करा के साइन करता है। साइन करने के बाद वो जीएम पे सबमिट करना पड़ता है ताकि वो आज का दिन जो है वो उस पर अकाउंट में रजिस्टर्ड हो जाता है दोस्तों, ठीक है। प्लस दूसरा चीज़ ये है कि कंपनी का जो सुपरवाइजर होता है वो ये चीज़ देखता है दोस्तों कि कंपनी का जो बंदा है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर का जो बंदा है, लेबर है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं करेगा तो वो उस समय कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर उसको वो फ़ोन करेगा, बोलेगा आपका बंदा इस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा। अब वो क्यों नहीं काम कर रहा, हमको तो काम चाहिए ना, वो काम से वो मतलब रखता है, तो वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर को डांट सकता है दोस्तों, ये उसका हक है। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों पे देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर और कंपनी बेस्ड सुपरवाइजर में कंपनी बेस्ड सुपरवाइजर का थोड़ा सा ऊंचा पोजीशन होता है दोस्तों, ठीक है। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी का दोनों का डिफरेंट सैलरी रहता है, लेकिन जो कंपनी बेस्ड सुपरवाइजर होता है उसकी कंपनी सैलरी देती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट सैलरी देता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह का जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कंपनी बेस्ड सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर में, ठीक है, और दोनों का वर्क सेम ही रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर का मेन चीज़ है कि लेबर का विजिट करना, काम पे विजिट करना दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो मोटिवेशनल वीडियो प्लस जॉब रिगार्डिंग वीडियो रहता है दोस्तों, और मेरा वीडियो यूजफुल रहता है आप लोग के लिए। जय हिंद, जय भारत।